प्लाटून कमांडर है सब इंस्पेक्टर जोगिंदर कुमार सशस्त्र बल की टुकड़ी मंच के सामने से गुजरती हुई है और कौमी परचम को सलामी देती हुई। इसके बाद आईआरपी 5th बटालियन अंकल सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल इसके प्लाटून कमांडर है, खूबसूरत अंदाज से अपने रवायती यूनिफॉर्म में, हमारी जो आर्मर्ड पुलिस की यूनिफॉर्म होती है अपने आप में एक अनमोल इनका जो है ड्रेस होता है, उसके साथ कौमी परचम को सलामी देते हुए आगे बढ़ते हुए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर खूबसूरत तीर की मानी जिनका हाथ मंच के सामने से गुजरती है टुकड़ी। जब अभी टुकड़ी सामने आए मैं माइक्रोफोन थमाता हूँ अपने छोटे भाई डॉक्टर अख्तर को। शुक्रिया ओम प्रकाश सर। अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, मैं वतन हम तुझे सलाम करते हैं। सलामी गा के करीब से गुजरता हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस वुमेन जिसकी कमांड कर रही है शिवानी देवी, बहुत ही खूबसूरत और पुरअतमाद अंदाज के साथ सलामी गा के करीब से गुजरते हुए कौमी परचम को सलामी पेश कर रहे हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जिसके सरबरा है माजिद इकबाल जरगर अपने दस्ते की कयादत करते हुए सलामी गाह के करीब से गुजरते हुए कौमी परचम को 78वीं यौम आजादी के मौके पर सलामी पेश करते हुए आशिकाने वतन अपनी जान दे गए, आशिकाने वतन अपनी जान दे गए, अजमतों का हमें आसमां दे गए, हर गुलामी की जंजीर को तोड़कर हमको आजाद हिंदुस्तान दे गए। एनसीसी सीनियर डिवीजन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जोड़ा जिसकी सरबराई धीरज परिहार कर रहे हैं, खूबसूरत अंदाज के साथ सलामी गाह के करीब से गुजरते हुए कौमी परचम को सलामी पेश कर रहे हैं। 78वां यौम आजादी पूरे मुल्क में जोश और खरोश के साथ मुनाकिद किया जा रहा है, कौमी परचम को सलामी पेश कर रहे हैं। नाजरीन आप देख रहे हैं कि हमारे कौमी परचम जिसे आप तिरंगा भी कहते हैं जो 3 रंगों पर मुश्तमिल है, जिसका सुर्ख रंग शुजात बहादुरी की अलामत है, सफेद अमन पाकिस्तान की अलामत है, और सबुज सरसबुज शादाब तरक्की और खुशहाली की अमानत है। आप देख रहे हैं कि परचम के बीच सफेद पट्टी पर गोल चक्रा है और जिसके अंदर लगभग 24 घंटे मौजूद हैं, जिसे आप पहिया भी कहते हैं, जिसकी गांधी जी ने खुद तारीफ की थी कि जिंदगी हरकत में हो तो तरक्की मुमकिन है, और क्योंकि ये पहिया है ये पहिया हमेशा हरकत पर रहता है और यही हरकत कौमों की तरक्की की जामिन होती है। नेवी विंग सलामी गाह के करीब से गुजरता हुआ चीख सलामी गाह के 10 फुट के फासले पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की बच्चिया बड़े पुरअतमाद अंदाज के साथ ये इस बात का ऐलान करते हुए कि आज भी इस सदी में इस दौर में हम किसी से कम नहीं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ एक पुरअतमाद कदम बढ़ाते हुए इनका कदम अगले कदम की निशानदेही करता है कि यह तरक्की किन मंजिलों को छूने जा रहा है। सलामी गाह के करीब से गुजर रहा है हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा जिसकी सरबराही स्वर्ण और करम सिंह कर रहे हैं, जोरदार तालियों की गूंज में ये बच्चे सलामी गाह के करीब से गुजरते हुए कौमी परचम को सलाम पेश कर रहे हैं। गुलशन हिंद को शोलों से बचाना होगा, गुलशन हिंद को शोलों से बचाना होगा, आतिश भुज़ अदावत को बुझाना होगा, जिसने आजादी हकीकत में मनाने के लिए प्यार का दीप हर एक दिल में जलाना होगा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल जोड़ा जिसकी सरबराही प्रवीत और तौसीफ कर रहे हैं, झंडा हाथ में लिए हुए स्कूल का झंडा हाथ में लिए हुए कौमी परचम को सलामी पेश कर रहे हैं। शाहीन पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा जो सलामी गाह के 10
पैरामाउंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा जिसकी सरबराई पंकज और हिमांश कर रहे हैं, बड़े पुरात्मात और तरीके से निगाहें कौमी परचम के ऊपर और सलामी पेश करते हुए 78वां यौम आजादी पूरे मुल्क में जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हर रोज न सही आज तो ये काम कर ले, हर रोज न सही आज तो ये काम कर ले, जहां तिरंगा दिखे सर उठाकर सलाम कर ले। ये सुकूली बच्चे 78वां यौम आजादी के मौके पर कौमी परचम को सलामी पेश करते हुए शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा सलामी गा के बिल्कुल करीब से पहुंचता हुआ कौमी परचम को सलामी पेश कर रहा है, जिसके सरबरा है अरुण और सेफान। अरुण और सेफान की सरबराही में ये दस्ता सलामी गा के करीब से गुजरता हुआ निगाहें कौमी परचम के ऊपर 78वीं में आजादी के मौके पर अपने दिलो जान से कौमी परचम को सलामी पेश कर रहा है। जनाब वैली हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा जिसकी कमान जुल्फकार और जाशी मोहम्मद कर रहे हैं, बारिश के इस मौसम में अगर डिस्टर्बेंस हुई लेकिन ये इस मुतबरक त्यौहार पर ये कुदरत का तोहफा है। काफी तवील अरसे के बाद मतबाना हम सबको नसीब हुई है आज के इस खूबसूरत त्यौहार कौमी त्यौहार के मौके पर आप सबको मतबाना भी नसीब हो चुका है। फरीदिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा जिसकी सरबराही बिलाल एजाज और आसिफ कर रहे हैं, अपना स्कूल का परचम लिए हुए सदाकत का परचम उठाकर चलो, सदाकत का परचम उठाकर चलो, चरागे मोहब्बत जलाकर चलो, दिफाए वतन के लिए दोस्तों दिलो जान की बाजी लगाकर चलो। अब जबकि हायर पब्लिक हाई स्कूल डोडा सलामी गांव के करीब से पहुंचता हुआ मैं माइक अपने साथी अनुराग मैम के पास। ढूंढा बहुत तो जहाँ न मिला, मेरे वतन की कोई जमीन कोई आसमान न मिला। आदर अभिनंदन आभार सभी को, पंद्रह अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जो सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ, कार्तिक शान और रोहित इसकी अगुवाई कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चे परे दिखा रहे हैं, बट मौसम भी कुछ ऐसा है। सेकेंड नवे के पीछे इतना मॉडल हाई स्कूल डोडा जिसकी अगुवाई कर रहे हैं जमाल और उनका साथ दे रहे हैं अदनान, सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। Today we are here to celebrate the bravery and sacrifice of our freedom fighters who fought tirelessly to give us the gift of freedom. We come together today not just for an event but for the celebration of human connection in pursuit of the greater purpose. सलामी मंच के सामने आते हुए गर्ल्स हाई स्कूल बंडोडा के बच्चे जिसकी अगुवाई जुनेद अहमद और अरुण कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये बच्चे। गर्ल्स हाई स्कूल बंडोडा के बच्चे सलामी मंच की तरफ आते हुए और ये खूबसूरत सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इकरा मॉडल हाई स्कूल डोडा के बच्चे ढूंढोड़ा के बच्चों को देखिए, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं सलाम करती हूँ इनके जज्बे को कि अभी तक परेड के लिए इंतजार कर रहे थे ऐसे मौसम के बावजूद। और ठीक सलामी मंच के सामने राष्ट्रीय झंडे को सलामी के लिए तैयारी, बिल्कुल सलामी मंच के सामने सलामी देते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज में चाहूंगी दर्शकों की जो तालियां हैं वो वैसे रहे, बच्चों को बहुत सावधानी होती रहे, तो बहुत बहुत तालियों के साथ इनका स्वागत करिए मंच के सामने से हाई स्कूल गुंडोला के बच्चे जिनके अगुवाई जुनेद अहमद और अरुण कर रहे हैं। ठीक इनके पीछे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का दल आ रहा है और इसमें सामी और निशान जो है पेड़ की अगुवाई कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बच्चों के जवाब देखे बड़े क्यों देखे किसी खूबसूरत तरीके से जो मंच के सामने से गुजरते हुए और इन सब की तरफ बढ़ते हुए।
उत्साह बढ़ता रहे इसके तो इतनी ज्यादा बारिश है, लेकिन फिर भी डोडा का स्टेडियम जो खचा खच जो भरा हुआ और इस वक्त जो झंडे को सलामी देते हुए इस वक्त मैंने आपको जो परेड यहाँ पर दिखाई, चाहे वो स्कूली बच्चे हों या जो पुलिस के जवान हों, सीआरपीएफ के जवान हों, तो इस वक्त डोडा से जो मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, इतनी ज्यादा कीचड़ है, लेकिन फिर भी अपने देश के प्रति जो जोश किस प्रकार से है इतनी ज्यादा बारिश के अंदर भी, और इतने सारे लोग जो अभी भी स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं बारिश के बावजूद भी, जो अभी भी लगातार जो बच्चों का यहाँ पर आना है या लोगों का यहाँ पर आना है, तो इस वक्त मैं आपको जो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से जो परेड लाइव अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा था, आप देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद। बैर मिलाते हुए सभी चीज़ें हमें जहाँ से ले पा रही हैं, तो बच्चों के बैर